हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉककॉन पेशेंट्स ऐप के बारे में और जानेंगे इस ऐप के फीचर्स और वीकनेस। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में डॉककॉन फॉर पेशेंट्स ऐप को इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉलेशन के बाद आप अपने मोबाइल नंबर और OTP की सहायता से इसको लॉगिन कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आपको सबसे लेफ्ट टॉप में जाके अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा। इसमें आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी और एड्रेस को अपडेट करना होगा। नेक्स्ट दोस्तों, प्रोफाइल के नीचे आप हेल्प एंड सपोर्ट में जाके अपना कंसर्न कस्टमर केयर के साथ शेयर कर सकते हैं। इसमें इन्होंने कोई भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर कस्टमर केयर का नहीं दिया है, सिर्फ आप ईमेल के द्वारा ही कस्टमर केयर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जबकि अदर सिमिलर ऐप में कस्टमर केयर का कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है। गाइस, सबसे लेफ्ट में है होम का सेक्शन, नेक्स्ट है पेशेंट रिकॉर्ड का सेक्शन, नेक्स्ट है राइट में अपॉइंटमेंट सेक्शन। नेक्स्ट गाइस, वीडियो कंसल्टेशन कैसे बुक करना है इसका जानकारी इन्होंने ऐप के सेंटर में दिया हुआ है। दोस्तों, डॉक्टर के साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करने के लिए आपको सबसे पहले डॉक्टर को सर्च करना होगा, लेकिन दोस्तों इस ऐप की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह रियल टाइम डाटा आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको नहीं दिखाती है कि आप कहां के रहने वाले हैं, उसके आसपास का डॉक्टर आपको नहीं दिखाती है। दूसरा, आपको डॉक्टर को डॉक्टर के नाम के हिसाब से सर्च करना होगा या फिर इनका डॉकॉन आईडी के हिसाब से सर्च करना होगा, जो कि बहुत ही टिपिकल काम है। इसलिए गाइस, हम MBBS कीवर्ड के साथ डॉक्टर को सिलेक्ट करते हैं और हमारे सामने केवल एक ही डॉक्टर का नाम आता है। हम उस डॉक्टर के प्रोफाइल को जाके पढ़ते हैं और पेशेंट के डिटेल को ऐड कर देते हैं कंसल्टेशन के लिए। नेक्स्ट, हम डेट और टाइम को सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और कंफर्म कर देते हैं। जैसे हम कंफर्म करते हैं तो हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाता है बगैर एक भी पैसा एडवांस दिए हुए। दोस्तों, यह सोचने वाली बात है कि इसमें बगैर कोई पैसा दिए हुए आपका अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट गाइस, आपने अपने बुक किए हुए अपॉइंटमेंट को कैंसिल करने के लिए या फिर उसको रीशेड्यूल करने के लिए आपको हेल्प एंड सपोर्ट में जाके कस्टमर केयर के साथ ईमेल के साथ कॉन्टैक्ट करना होगा। सबसे पहले आपको ऊपर अपना ईमेल आईडी डालना होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके अपना प्रॉब्लम को मेंशन करना होगा कि आपने क्या अपने अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल करना है या फिर उसको कैंसिल करना है। सब प्रॉब्लम को लिख के आपने सबमिट कर देना है, बाद में कस्टमर केयर के द्वारा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट गाइस, जो बुक किया हुआ अपॉइंटमेंट है आपका ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन के साथ, तो आप उनके साथ हेल्थ कंसर्न में जाके कोई भी इशू शेयर कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी सेहत की प्रॉब्लम के लिए आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको बीमारी क्या है, उसके बारे में भी आप शेयर कर सकते हैं। या फिर जैसे कि हमने अपॉइंटमेंट कैंसिल करना है तो हम वह लिख के डॉक्टर के साथ शेयर कर देंगे और सबमिट कर देंगे, जिससे कि डॉक्टर को टाइमली पता लग जाएगा कि हमने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया है। गाइस, आप कमेंट करके बताइए आपको इस ऐप के फीचर्स कैसे लगे हैं। और गाइस, जो कमियों के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, क्या उन कमियों के कारण कभी आपको कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है जब आपने इस ऐप में कंसल्टेशन बुक किया हो। गाइस, इस प्रकार के और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमें अभी सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन वाले बेल को ऑल पे टिक करिए, जिससे कि आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वेरी मच।